मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन पर जो सवार हो वह साधक वह वीर। धम्म पाली शब्द है, हिंदी में धर्म, संस्कृत, मराठी आदि अनेक भाषाओं में भी इसे धर्म कहते हैं। पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती भाषा में इसे धर्म कहते हैं। धर्म, रिलीजन, मजहब एक जीवन जीने की पद्धति है। भौगोलिक, नैसर्गिक, ऐतिहासिक कारणों से यह बनती है। पर धर्म यानी स्वभाव, गुण, विशेष, प्रकृति, जैसे आग का धर्म है जलना जलाना, पानी का धर्म है ठंडक पहुंचाना आदि आदि। तो मानव का धर्म क्या है? मानव का धर्म दया, दान, करुणा। इसे आप रहम, खैरात, चैरिटी, काइंडनेस आदि अलग अलग भाषा में कह सकते हैं। मानव शब्द ही मन से बना है, इसीलिए यह उपरोक्त धर्म दया करुणा मन में उत्पन्न होते हैं। यह मन की वृत्ति के रूप में और शरीर से इनका क्रियान्वयन होता है, इसलिए कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनात्। मन की विकृतियों द्वारा ही प्रेरित होकर शरीर कर्म करता है। तो मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो यह सिद्ध होता है। मन राजा बन बैठा है। मन समृद्ध सुखी कब होता है? तो धर्म में स्थित होता है। तो मन सशक्त शक्तिशाली सृजनशील बनता है, क्योंकि वह स्वतः के स्वभाव में स्थिर होता है। मन जब धर्म से यानी कि सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, क्षमा, दया, दान, करुणा, अहिंसा से विरत, विमुख, विरुद्ध रहता है, तो वह परम व्याकुल, अशक्त, चलायमान रहता है। यानी वह क्रोध, चोरी, हिंसा, वैर, निंदा, परिग्रह, झूठ में लिप्त रहता है। तो उसकी दयनीय अवस्था होती है। शांति, सुख, आनंद से वह कोसों दूर रहता है। दुख भोगता है, दुख बढ़ाता है, दुखी करता है, दुखी होता है। तो धर्म में मन और शरीर को कैसे लाया जाए, धर्म में कैसे जिए, भगवान बुद्ध ने इसके लिए अष्टांगिक मार्ग प्रशस्त किया। यह मध्यम मार्ग है, अतियों को वर्जित किया गया मार्ग है। यह अष्टांगिक मार्ग है, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति यानी एकाग्रता, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। सभी में सम्यक यानी कि समता से, यानी कि मध्यम मार्ग से, अति में नहीं। इस मार्ग का एकीकृत नाम विपश्यना साधना विद्या है, जिसकी व्याख्या वर्णन समय समय पर भगवान सिद्धा ने अपने गृहस्थ और भिक्खु जनों को सूत्रों के माध्यम से किया। महासतिपट्ठान सूत्र में इसकी समग्र व्याख्या की गई है, जो कुरु राज्य में कम्मासपुर नाम के ग्राम में सूत्र कहा गया। अब हमारे मन को पानी की तरलता की उपमा दी गई है, तो यह नीचे की ओर प्रभावित होता है और जिस पात्र में डालो उसका आकार लेकर ढल जाता है। इसे जो रंग डालो वैसा ये बन जाता है, जो रस डालो वैसा इसका स्वाद बनता है,
जो गंध इसमें डालो वैसी गंध यहाँ धारण करता है। ऐसे मन की वृत्ति, ऐसे मन की आदत, ऐसे मन का स्वभाव, ऐसे मन का पतन स्खलन हमें बदलना है, उसे ऊपर उठाना है, अमृतमय मधुर बनाना है, तो बहुत बहुत संयम सहनशीलता से और निरालस्य होकर काम करना होगा। मन एक जंगली हाथी को पालतू बनाने का काम है, इसमें निरंतरता प्रयत्न परम आवश्यक है, वातावरण अच्छा परम आवश्यक है, क्योंकि जन्मों जन्मों से इसने आदत बिगाड़ ली है, स्वभाव बिगाड़ लिया है, और जैसा स्वभाव है वैसे ही समस्त ब्रह्मांड से इसे शक्ति मिलती है। यह जब स्वभाव बिगाड़ लेता है तो बिगड़े हुए वृत्तियाँ, बिगड़े हुए ही शक्तियाँ इसे बिगड़ने की ओर प्रवृत्त करती है। तो हमें इसे सुधारना है, इसे मधुर बनाना है। यह गांठ गठीला कांट कटीला बन गया है, तो इस स्वभाव को हमें बदलना है। इसलिए हमारे इतिहास साहित्य पुराण महाकाव्य के दो खलनायक कहते हैं रावण, होई भजन नहीं तामस देहा, होई भजन नहीं तामस देहा। रावण अपनी अगतिकता, अपनी व्याकुलता और अपनी एक जिसे हम कहें कि एक अहंकार छोड़कर एकदम हथियार डालकर कहता है कि मेरे तामस देह से भजन यानि कि धर्म में स्थिर होना नहीं हो रहा है। और फिर दुर्योधन भी क्या कहता है सुनिए, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। यानी कि दुर्योधन भी धर्म क्या है अच्छी तरह से जानता था, पर उसकी धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती थी, और अधर्म क्या है यह भी जानता था पर अधर्म से उसकी निवृत्ति नहीं होती थी। लेकिन देखिए कितना कठिन है इस स्वभाव को मन के बदलना, इस मन की प्रवृत्ति को बदलना, इस मन की प्रवृत्ति को अमृतमय सुखमय और एक बहुत ही सुंदर बनाना कितना मुश्किल है। रावण जैसे कहता है तो इस तामसी आलसी प्रमादी मन देह को हमें भजन यानी धर्म में स्थित करना है, धर्म को जानकर धर्म में जीना सीखना है। तो पहले हमें एक विपश्यना का शिविर करना चाहिए जिसमें 10 दिन तक हम इसी कार्य में 24 घंटे लगे रहते हैं कि धर्म में कैसे जीना है। वरना यह काम अगर हम 24 घंटे और 10 दिन तक सतत नहीं किया तो हम इस जगत में चलायमान जगत में इस परिवर्तनशील जगत में हम उसे धर्म को धारण करना सीख कैसे सकते हैं, क्योंकि बार बार यह सांप सीढ़ी के जैसा हमारा मन फिसल जाएगा, मन धर्म की ओर नहीं जाएगा, उसका स्खलन हो जाएगा, वह नीचे की ओर प्रभावित हो जाएगा। उसे सतत ऊपर उठाने की जो क्रिया है वह कुछ दिनों तक हमें अलग रहकर करनी होगी ताकि हम उसमें स्थित हो जाएं, धर्म में स्थित हो जाएं, फिर आकर हम अपने जीवन जीने के तरीकों में हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे पूरी तरह से उतार सकेंगे। पंचशील का वहाँ पर पालन होता है, समाधि का संपूर्ण दिवस रात्र अभ्यास होता है, और प्रज्ञा यानी कि सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प के लिए गुरुजी श्री सत्यनारायण जी गोयंका जी के प्रवचन हमें 75 मिनट के प्रवचन हमें मार्गदर्शन करते हैं। खूब साधक स्वमुखी आत्ममुखी बनता है, आत्म अवलोकन स्व अवलोकन करता है, व्यक्ति कूटस्थ होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, हृदय मन के रंगमंच पर महाभारत समुद्र मंथन होता है, मनोमंथन होता है,
उससे विकारों का विष निकलता है, प्रकट होता है, निकाल बाहर होता है, उस विकारों की, उस विष की निर्जरा होती है और उसकी जगह पर विवेक का अमृत बरसता है, प्रज्ञा का अमृत बरसता है। इसीलिए 10 दिन जीवन जीने की कला सीखने का, सीखने के लिए, स्वभाव बदलने के लिए विपश्यना शिविर में जाना अति आवश्यक है। विपश्यना का शिविर करना अति आवश्यक है, क्योंकि 10 दिन तक जब तक हम हमारे मन को धर्म में स्थिर नहीं करेंगे, तब तक उसका स्वभाव, जो मराठी में कहते हैं नहीं, जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नहीं किंवा सुंब जळाला तरी पीळ जात नहीं, ऐसा कहते हैं, इसी स्वभाव को लेकर हमारा अगला जन्म होता है। इसी स्वभाव को, इसी गांठ गठीले कांठ कटीले या इसी क्रोधिष्ट स्वभाव को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, अनेक अनेक हम गांठें बांधते हैं, अनेक अनेक हम बदले की भावनाएं रखकर अगले जन्म में आते हैं। तो फिर यह स्वभाव बदलना है तो हमें ज़रूरी है कि इसे संपूर्ण रूप से, इस ऐसा स्वभाव नहीं है, ऐसे ऐसी प्रवृत्तियां नहीं है, ऐसी ऐसी तरंगे नहीं है, ऐसी जगह पर 10 दिन तक हमें जाकर रहना चाहिए, ऐसी जगह पर हमें साधना करनी चाहिए, ताकि वहाँ की अच्छी शक्तियाँ, वहाँ की अच्छी तरंगे, वहाँ के अच्छे प्रकंप वाइब्रेशंस हम पूरी तरह से ग्रहण करें, मन को शक्तिशाली करें, और फिर हम जीवन जीने में, जीने के लिए इस व्यवहारिक जगत में वापस आ जाएं, और फिर हम धर्म से जिए तो हम सुखी शांत हो सकेंगे और सभी को सुखी शांत कर सकेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और कल्याण मस्तु।